हेलो स्टूडेंट्स, सो ये प्रॉब्लम लेंस से है। तीन लेंसेज आपको दे रखे हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब आपको बोलता है कि फाइनल इमेज बताओ कहाँ बनेगी। ठीक है, सबसे पहले गिवन पार्ट आपको लिख रखा है सब कुछ, ये क्वेश्चन में था। ठीक है, फोकल लेंथ, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव, एंड कॉन्वेक्स की अगेन दिस इज पॉजिटिव। जस्ट रिमेंबर दिस, कई बार गिवन होता है कई बार नहीं होता, तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। सो सी, अब लेंस, यहाँ लेंस की बात हो रही है तो लेंस इक्वेशन लग जाएगी, मीन सॉल्यूशन में हमें लेंस इक्वेशन यूज करनी है। और क्या होती है लेंस इक्वेशन, विच इज माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज वन अपॉन एफ, वेयर यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द ऑब्जेक्ट और वी क्या है इमेज का डिस्टेंस, एफ इज द फोकल लेंथ। सो अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा जो देखो जैसे इमेज फॉर्म होते हैं रे डायग्राम का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस रे डायग्राम बनाओ और अपनी कैलकुलेशन पे बिलीव रखो। ठीक है, ऑलवेज नोट टू द नोट द गिवन पॉइंट्स। अब देखो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से रिहाई टकराने के बाद किसी पॉइंट पे जाएगी इमेज बनाएगी। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट बनेगा कहाँ। सो यूज योर लेंस इक्वेशन फॉर केस वन, फॉर दिस वन, दिस लेंस इज वन, इसको टू केस मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेते हैं। ओके, फर्स्ट के लिए बात करते हैं केस वन। सो यू आ गया 30 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन साथ के साथ लगाते जाओ, 30 है तो वी नो दैट यू नेगेटिव साइड पर जाएगा बिकॉज वो लेफ्ट साइड पर ना रही के अपोजिट डायरेक्शन पे, सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दिस इज नेगेटिव। सिमिलरली v हमें ढूंढना है और फोकल लेंथ की अंदर किया प्लस 10, सो कॉन्वेक्स के लिए प्लस 10 ही होती है, डाल दो फॉर्मूले में देखो क्या आता है फिर। सो वी गॉट माइनस 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ओके, कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, मान लो कि यहाँ u पूछा हुआ है ऑब्जेक्ट निकालने को तो उस पर भी साइन कन्वेंशन लगाता है, जो कभी पूछा हुआ ना उस पर कभी भी साइन कन्वेंशन लगती है, आंसर आपको खुद बता देगा कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, सो वी गॉट 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, माइनस 1 कैंसिल हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर जाएगा तो जाएगा माइनस 1 अपॉन 30, सो अपने पास आ गया 30 एलसीएम, सो वी गॉट 3 माइनस 1 विच इज 2 अपॉन 30 विच इज 1 अपॉन 15, सो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, तो वी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव आया, इमेज आगे बनती है कॉन्वेक्स के लिए, इमेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो अब देखो 15 सेंटीमीटर पे आ गई, इन दोनों का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो इमेज बन रही है आगे बन रही है, देखो फिर सो यहाँ से आएगी रहेगी और किसी एक पॉइंट पे बन रही है, कहीं भी किसी पॉइंट पर रखोगी इमेज यहाँ बन रही थी फाइन, बट सिंस अब देखो मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा क्योंकि ये लेंस पे जैसी लाइट आएगी तो डाइवर्स कर देगी, बट हम सिर्फ यहाँ बता रहे हैं कि फर्स्ट वाले के लिए कुछ किसी पोजीशन पे आएगी जो कितना था 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर वहाँ तक 15 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझे, फर्स्ट केस डन, अब उसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम देखो, सो इसकी इमेज यहाँ बन गई। ओके, तो अब देखो केस वन से हमें वी 15 मिल गया, तो अपने पास क्या इसकी इमेज कहाँ बन रही है किसी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पे। अब देखो यहाँ ट्विस्ट, बट यहाँ तो दूसरा लेंस प्रेजेंट है, कौन सा है कॉनकेव, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव क्या करता है लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कॉनकेव डाइवर्ज। अगर ये डाइवर्ज करेगा सबसे पहले एक पॉइंट देखना, सो यहाँ से जैसी रे आएगी तो इसको डाइवर्ज करेगा कहीं ऊपर फेंक देगा, डाइवर्ज कर देगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो, रे आई इसने इमेज बनानी थी यहाँ, बट एक्चुअली में होगा क्या जैसे यहाँ आएगा टकरा के ऊपर चल जाएगी। अब आप पूछो सर यहाँ बनाई क्यों, क्योंकि जो यहाँ इमेज बनेगी वो इसके लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है इसके लिए, सो जस्ट जहाँ पहले रिफ्लेक्शन हो रखी है, सो यहाँ रिफ्लेक्शन हुई थी, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इन्फिनिटी कहीं मिलेगी नहीं, सो प्रिंसिपल एक्स से टकराना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, सो जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा सो इसकी याद रखना इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, इस प्रीवियस वाले लेंस के पॉइंट पे, अंडरस्टूड। सो द डिस्टेंस अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 15 सेंटीमीटर इसकी इमेज। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो कितना है देखो टोटल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये 5 है तो बचा कितना 10 सेंटीमीटर, सो ये बच गया 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई, नहीं है तो दोबारा सुनो, जब यहाँ पे पास लेंस है ना इसकी जो इमेज बनेगी इसके लिए वो ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, सिमिलरली इसकी ऑब्जेक्ट क्या होगी जो इसकी इमेज बनेगी, प्रीवियस वाले की इमेजेस जो भी होती है वो सेकंड वाले की ऑब्जेक्ट बन जाती है, समझ लो। नहीं समझा तो मुझे बताना, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेंस मेकर फॉर्म में आई थिंक आप यही करते हो, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। अब देखो नेक्स्ट, सो ये समझ आ गया, सो फॉर केस टू, फॉर केस टू अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ आ गई, देखो ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव साइड पे आई है इसके लिए, सो ऑब्जेक्ट इज u इज पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर फॉर कॉनकेव लेंस, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसकी फोकल लेंथ कितनी है नेगेटिव ऑफ 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, v हमें ढूंढना है v, सो इस वाले के लिए इमेज कहाँ बनेगी, देखो उसको वी वन मान लो फर्स्ट वाले को, सो हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, सो इस वाले को मैं वी टू मान लूंगा सेकंड लेंस की वजह से जो इमेज बनी, सो कितनी बन जाएगी कहाँ बनेगी, सो फॉर्मूला अगेन लेंस इक्वेशन यूज करो, माइनस वन अपॉन 10 प्लस वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 10। क्या बात समझ आ रही है, सो वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू माइनस वन जाके करो जीरो,
ऑब्जेक्ट भी उसी पॉइंट पे और फोकस भी उसी पॉइंट पे। तो यहाँ लॉजिक भी लगा सकते थे कि जिस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस किया जाए तो इमेज हमेशा इनफिनिटी बनती है। वो चलो यहाँ प्रूफ भी हो गया। सो वन अपॉन समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो मैं लिखता हूँ वी टू इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो एंड वन अपॉन जीरो इज इनफिनिट। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। दूसरा, अगर आप सिंपल ट्रिक लगाते दैट यू नो जो केसेस हैं लेंस के, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर रखी हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। मतलब जब ये रे डाइवर्ज हुई इस पॉइंट से ऊपर को चलेगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिट। क्या मेरी बात समझ आई? सो केस टू से हमें पता चला केस टू की इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो लास्ट केस, थर्ड वन, अब उसका भी रे डायग्राम ड्रॉ करो। क्यों? क्योंकि भाई अगर यहाँ रे आई टकरा के थोड़ी इन्फिनिटी पे जाने देगी, वो क्या क्या करेगी उसको? सिंस दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ से टकरा के वो दोबारा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। सो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इसकी वजह से। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इस लेंस की वजह से। ये दोनों सिर्फ उसको एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट पे आई, टकराई, टकराने के बाद सेकंड पे, देन थर्ड एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो फाइनल इमेज इसकी वजह से कहाँ बनेगी चेक करते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, इसकी जो इमेज होगी वो इसके ऑब्जेक्ट बन जाएगी, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, समझ लो। सो फॉर केस थ्री, केस थ्री ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू इन्फिनिट, जो इसकी इमेज है, ठीक है, और मेरे पास इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड वी इज हमें फाइंड आउट करना है, और फोकल लेंथ मेरे पास है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लॉजिक लगाएंगे तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे हो तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है? फोकल लेंथ पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ पे। और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो तो आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस की गई है? फोकल लेंथ पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखे तो इमेज इन्फिनिटी में, और अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखे तो इमेज इन्फिनिट पे, ओके। सो नाउ सी वी हैव, अगर इसको पुट कर दो, वैसे आंसर 30 आएगा, पर चलो चेक कर लेते हैं। सो माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन 30, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, सो वी गॉट वी इज इक्वल टू 30, सो वी इज जस्ट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो कहाँ आएगी? इस लेंस से 30 सेंटीमीटर, ओके। सो फॉर केस थ्री वी गॉट वी थ्री इज एट 30 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज जो मेरे पास बनेगी वो इस लेंस के रिस्पेक्टिव बनेगी। क्या बात समझ आई? याद रखना, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए नेगेटिव, और इन अरेंजमेंट से बिल्कुल डरना मत। सेम देखो ट्रिक क्या है, सिंपल रे डायग्राम बनाते जाओ, यहाँ से यहाँ ही टकरा के ऊपर जाएगी, डायवर्ज कन्वर्ज करते जाओ, बेसिक समझो अच्छे से, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस।